खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि हम दिन में कई बार जीतते हैं। इस वीडियो में हम कंसंट्रेशन और इसकी एप्लीकेशन को लेकर 7 पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है, कंसंट्रेशन केवल जॉब या एग्जाम पास करने के काम नहीं आता। इस संसार में जितनी भी पावर है वो सब कंसंट्रेशन का रूप है। जब मार्शल आर्टिस्ट मुक्का चलाता है तब वो शरीर की पूरी शक्ति अपने हाथ पर ही तो कंसंट्रेट करता है। अग्र मतलब आगे वाला हिस्सा यानी पॉइंट। एकाग्रता का शाब्दिक मतलब ही है वन पॉइंटेडनेस या वन पॉइंटेड माइंड। जब आप कंसंट्रेट करते हो तब आपकी सारी मेंटल एनर्जी एक पॉइंट से होकर बहती है। ये पूरा संसार आपकी मेंटल एनर्जी से प्रकट हुआ है। जिस लक्ष्य पर आप अपनी मानसिक शक्ति केंद्रित करते हो वो पूरा होकर ही रहता है। इसलिए परिवार, जॉब, बिजनेस, मजा, आपको हर चीज सफलतापूर्वक करने के लिए एकाग्रता चाहिए। स्वामी जी कहते हैं, कंपेयर द लोएस्ट विद द हाईएस्ट मैन, द ओनली डिफरेंस इज कंसंट्रेशन। कोई इंसान बहुत मेहनती है, कोई बहुत काबिल है, कोई क्रिएटिव है। इंसान में जितनी अच्छी क्वालिटीज हैं उसके लिए उसे अपनी मानसिक शक्ति को एकाग्र करना पड़ता है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, कंसंट्रेशन इज द ओनली डिफरेंस। दूसरा पॉइंट है कि हम लोग आज तक कंसंट्रेशन की अधूरी डेफिनेशन समझते आए हैं। हम लोग सोचते हैं कि एक जगह ध्यान लगाना यानी अटैचमेंट कंसंट्रेशन है। असलियत में कंसंट्रेशन का दूसरा पहलू है डिटैचमेंट। अटैचमेंट प्लस डिटैचमेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन। स्वामी जी कहते हैं, केवल अटैचमेंट का होना इंसान के लगभग सभी दुखों का कारण है, क्योंकि इस भौतिक संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि हमारे पास डिटैचमेंट की शक्ति होनी चाहिए, जिससे हम पलक झपकते ही अपनी शक्ति एक जगह से मुड़कर दूसरी जगह लगा दे। जो इंसान ऐसा करता है, फायदे नुकसान हार जीत में उसकी बुद्धि हमेशा स्थिर रहती है, वो हमेशा आनंदित और सचेत रहता है। इसलिए हम सबको डिटैचमेंट की शक्ति विकसित करनी है। अगला पॉइंट है कि मन को स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत है। जिस तरह मदमस्त हाथी किसी की नहीं सुनता, उसे संभालने के लिए विशेष महावत बुलाया जाता है, उसी तरह मन के मदमस्त हाथी को भी स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत है। कई लोग पूरी जिंदगी निकाल देते हैं लेकिन इस बात को नहीं समझते, मन के साथ हिट एंड ट्रायल करते रहते हैं और आखिर में हार मान लेते हैं। तो अगला पॉइंट है कि मन पर कंट्रोल कैसे हासिल करें, हाउ टू अचीव कंसंट्रेशन। मन और सांस के बीच एक कनेक्शन है। छंदोग्य उपनिषद में बताया गया है कि मन और सांस का एक ही सोर्स है। ये भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि जब मन की चाल धीमे हो जाती है तो सांस अपने आप गहरी हो जाती है। वैसे ही अगर सांस को नियंत्रित किया जाए तो मन अपने आप शांत होने लगता है। स्वामी जी कहते हैं कि मन को शांत करने के लिए रिदम ज्यादा मायने रखती है। आप जरूर गहरी सांस लीजिए लेकिन अपना ध्यान रिदम, लय यानी टाइमिंग पर रखिए। 10 मिनट्स टफनेस के कोच और लेखक जेसन सेल कहते हैं कि जब कोई प्लेयर मेरे पास आता है तो मैं उसे गहरी सांस लेने के लिए नहीं कहता, क्योंकि हाई प्रेशर में वो प्लेयर गहरी सांस नहीं ले पाता और हड़बड़ा जाता है। इसलिए हम टाइमिंग का अभ्यास करते हैं, 6-7 रूल का इस्तेमाल करते हैं, मतलब 6 सेकंड गहरी सांस लें, 2 सेकंड रोकें और 7 सेकंड में छोड़ें। ये हुई एक साइकिल। आप एक बार में कम से कम 6 साइकिल्स दोहरा सकते हैं और दिन में कम से कम 3 बार ऐसा कर सकते हो। मन शांत होने के बाद आप काम शुरू कर सकते हो या ध्यान कर सकते हो। 5वां पॉइंट है कि ध्यान में किया गया प्रयास बहुत मायने रखता है। स्वामी जी कहते हैं कि सांस के नियंत्रण में आने के बाद अपने आप मेडिटेशन की अवस्था शुरू हो जाती है, जहां पर मन खुद को ही देखने लगता है। मेडिटेशन इज नथिंग बट अ हायर फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन। स्वामी जी कहते हैं कि ध्यान की सर्वोच्च अवस्था यानी समाधि आसानी से संभव नहीं, लेकिन नोट करने वाली बात है, स्वामी जी कहते हैं कि ध्यान के प्रयास मात्र से ही हमारे मन और एकाग्रता को कई फायदे होते हैं। तो हमको किस प्रकार का ध्यान करना चाहिए, ध्यान का कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? जो तरीका आपको अच्छा लगता है वही सही तरीका है। स्वामी जी कहते हैं कि हर मन का स्वभाव अलग है, इसलिए ध्यान में जाने के तरीके भी अलग हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगे वही आपके लिए ध्यान करने का सही तरीका है। एक तरीका चुन लीजिए और बस अभ्यास कीजिए। कंसंट्रेशन के लिए अगला जरूरी फैक्टर है भोजन।
स्वामी जी कहते हैं कि भोजन हमारी एकाग्रता बढ़ा तो नहीं सकता, परंतु हमारे अभ्यास करने की क्षमता को प्रभावित करता है। ज्यादा खाना या भारी खाना आलस बढ़ाता है और ज्यादा भूखे रहने से मन बेचैन होता है। हल्का संतुलित खाना मन को भी शांत और ऊर्जावान रखता है, जिससे अभ्यास करने में आसानी होती है। दोस्तों, समरी में सबसे पहली बात, हमको हर हालत में कंसंट्रेशन की शक्ति विकसित करनी है, क्योंकि इस दुनिया में जितनी भी पावर है वो सब कंसंट्रेशन का ही रूप है। दूसरी बात, अटैचमेंट प्लस डिटैचमेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन। पलक झपकते ही हमारा ध्यान एक जगह से मुड़कर दूसरी जगह लग जाए। जिसके पास ये शक्ति है उसकी बुद्धि स्थिर है, वो हमेशा खुश रहता है। तीसरी बात, मन को स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, यहाँ हिट एंड ट्रायल काम नहीं करती। चौथी बात, ट्रेनिंग का पहला चरण है सांस, क्योंकि सांस और मन का एक ही सोर्स है। सांस का पूरा फायदा उठाने के लिए रिदम यानी टाइमिंग पर ध्यान दीजिए। हाई प्रेशर में कंसंट्रेशन के लिए आप 6-7 प्रयोग कर सकते हैं। पांचवी बात, ध्यान में मन को शांत करने का हर प्रयास एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। जो तरीका अच्छा लगता है आपके लिए वही सही तरीका है। जरूरी है कि आप अभ्यास कीजिए। और आखिर में, हल्का और सीमित भोजन मन को शांत रखता है और अभ्यास करने में मदद करता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फोकस के लिए गाइडेड मेडिटेशन पर वीडियो ज़रूर देखिए और अभ्यास कीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।